हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली से एक नई डिश। आप इसे सलाद भी कह सकते हैं या फिर सब्जी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये डिश तैयार होती है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक बॉल मूली लिया हुआ है, जिसे मैंने एकदम पतला पतला काट लिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आलूओं को बॉईल करके पीसेस में कट कर लिया हुआ है। यहाँ पे एक प्याज कट कर लिया हुआ है और एक टमाटर को एकदम पतले पतले पीसेस में कट कर लिया हुआ है। तो इसी इन्ग्रीडियंट्स के साथ आज हम बनाएंगे एक नई डिश। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी। बाउल में मैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसको ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मूली को ऐड कर लिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज कटी हुई, टमाटर, इसके बाद बॉईल किया हुआ पोटैटो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले लें अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे नमक को ऐड कर लिया हुआ है। इसके बाद अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम तड़के के लिए यहाँ पे पैन को गरम कर लेंगे, तड़का पैन को। इसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जैसे ही हमारा एकदम अच्छे से गरम हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी काले जीरे का, और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं ताकि जो काला जीरा उसका फ्लेवर एकदम अच्छे से आए। तो यहाँ पे तड़का तैयार हो चुका है। तो इसके बाद जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा होता है, उसमें हम इसका तड़का लगा देंगे और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पून की सहायता से एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। चाहे तो आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमारे एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मूली का सैलेड बन के एकदम रेडी हो चुका है। आप इसे सब्जी भी कह सकते हैं या सैलेड भी। तो अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप अपने अपने घर में बनाइएगा। तो होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।